नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका N20 लाइव में। हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे चंदोली गंगोली पंचायत में, जो जीरादेई ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और आखिरी चरण के चुनाव के लिए यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं शहीदा खातून और इन पुत्र वधू हैं, और इनके जो पति हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल राशिद इनके ससुर जी हैं, सभी लोग हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पे युवा वर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी कुछ ही देर में रैली निकलेगी, रैली का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, कैसे लोग वोट मांग रहे हैं और कितना सपोर्ट है कि लगातार ये 30 सालों से इस गांव के मुखिया हैं। और 30 साल से अगर क्यों मुखिया कोई रहता है तो क्यों रहता है, इस चीज़ को सोचने वाली और समझने वाली बात है, इस चीज़ को आप समझेंगे। यहाँ पे खड़े हमारे साथ इनके पति शहीदा खातून के, जानते हैं भैया क्या तैयारी चल रही है, रैली निकाल रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, हमारे पूरे तमाम जनता को नमस्कार कि आप देख रहे हैं समर्थन कैसा है, सारे युवा वर्ग हमारे साथ है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, पूरे जनता का हमको सपोर्ट है, सबने हमको मिल के लड़ाया है, हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी। जब बात आती है भैया पंचायत में विकास की, तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि 30 सालों से हैं मुखिया, विकास नहीं करते, क्या करते हैं, विपक्षी उंगली उठाता है। लेकिन अगर विकास नहीं होता तो वो भी सोच सकते हैं कि 30 साल से मुखिया कैसे बनते, इसके बारे में क्या। ये सब विरोधी है, इनका काम है कुछ नहीं मिलेगा तो ये बोलेंगे कि ये घोटाला किए हैं, वो घोटाला किए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जनता देखती है हमने बहुत विकास किया है। पूर्व में हमारे पिताजी मुखिया थे, उन्होंने बहुत विकास किया है, हमारी अम्मी थी जिनका देहांत हो गया, उन्होंने भी बहुत विकास किया है, आगे भी ये विकास जारी रहे। आने वाले 12 तारीख के लिए अपने पंचायत की जनता से क्या संदेश दीजिएगा? हम यही अपील करेंगे अपने जनता से कि आप लोग हमें वोट करें और हमें जीत का सुनिश्चित करें, हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जो अभी रैली निकली है कहां से कहां तक जाएगी? ये बस हमारे गांव में और बेदुलिया में बाजार तक जाएगी। लोगों को जो संदेश दिए आप लोग, मतलब जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग क्या आपके लिए कहते हैं? सब हमारे साथ खड़े हैं, हर उम्मीद पे खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं, हमेशा रहेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है, थोड़ा लोगों को अपील कर? मेरी पत्नी है शहीदा खातून, उनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप 6 नंबर पे। चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, ईवीएम के क्रम संख्या 6 पे है। और उनके पति से हमने बात किया, यहाँ पे कैमरामैन से बोलूंगा, एक बार भीड़ को दिखाया, लगभग यहाँ पे युवाओं की टोली है और सब एक ही ड्रेस पहने हुए, मुखिया जी का टी शर्ट है छपा हुआ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग पहन के, एक मतलब जैसे क्रिकेट टीम तैयार की जाती है वैसे सारे युवा हैं, और युवाओं की सोच ऊपर होती है। काफी लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे, अभी एक गांव के भैया पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है इनका, क्या नाम है भैया आपका? लोग भी हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे, अभी एक गांव के भैया पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है इनका, क्या नाम है भैया आपका? कैमरामैन से बोलूंगा, एक बार इधर दिखाएं। अयूब जी रैली में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि हम लोग का ये तीसरा बार है, दो बार में शहीदा खातून जो अभी भावी प्रत्याशी हैं, इससे पहले इनके अम्मी जान थी, तो काफी विकास हुआ पंचायत में। लेकिन इस बार का जो मेन मुद्दा रहेगा क्या रहेगा? देखिए हम लोग बस में रहने वाले हैं, 2-3 साल का छुट्टी आती है, मगर जो विकास होना चाहिए हमारे पंचायत में, जैसे जल नल है, रोड है, और सरकार का जो भी योजना हो, जैसे हम लोग तो बाहर रहते हैं, औरतें रहती हैं, उनको जो भी सरकार का योजना सबको लागू है। अभी बीच में एक टाइम ऐसा आता कोरोना काल, सब लोग मतलब भयभीत हो गए थे और घरों से निकलना छोड़ देते, वैश्विक बीमारी था, अपने बिहार में नहीं था, हर देश में था, हर कंट्री में था, उस टाइम मुखिया जी का कैसा रवैया रहा? हम तो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, मगर हम फेसबुक के और सोशल मीडिया के जरिए देख रहे थे, हर गांव में हमारे मुखिया जी संतूर हमारे चंदौली पंचायत में हर जगह उनको हमने देखा, सैनिटाइजर करते हुए, मास्क करते हुए, और सामने हर खाना वाना समाज हर पंचायत में हमने सोशल मीडिया के। हमें दुख इस बात का होता है, ये कहने में दुख नहीं है कि कोई अच्छा काम करता है, दुख इस बात का होता है कि कोई अगर इतना अच्छा भी काम करे, लोग उंगली उठाते हैं, विरोधी उसके पीछे बोलते हैं, इसका क्या रीजन होता है? विरोधियों का काम है बस, जो विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं उसके ही गांव में हमने जाके देखा 3 साल बाद, हर जगह कहीं पे जमीन नहीं दिखाई दी, हर जगह ढलाई था, पीस था, और बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे तरफ भी काम हुआ है, उनका काम है घोटाला हुआ है।
उनका काम है बोलना, वो हार जीतेंगे नहीं, उनका काम ही है कुछ ना कुछ इनका। इस बार के लिए कुछ संदेश दीजिएगा पंचायत की जनता को। इस बार के लिए संदेश है जनता के लिए, तो अलहमदुल्ला हम लोग इस बार कम से कम 2000 वोट से जीत रहे हैं और पिछले बार से भी अच्छा हम लोग विकास है। ये थे युवा यहाँ के, इनसे बात किया हमने, काफी लोग हैं बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से बोलूंगा इन्हें दिखाएं टी शर्ट वालों को कितना अच्छा मतलब युवा दल है और सभी एक साथ जुटे हुए हैं यहाँ पे, अभी रैली में जाएंगे, काफी लोग हैं पहले बात कर रहे हैं, काफी लोग हैं पहले इनसे बात करते हैं। बाबू टी शर्ट पहन के कैसा लग रहा है आपको रैली में आए हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर दिखाओ बाबू, इधर इधर इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। टी शर्ट पहन इधर इधर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने रैली में आए हुए हैं, बुलाया हुआ जनता थोड़ी है, हम लोग खुद से आए हैं, बहुत खुशी हो रहा है हम लोग की अपने रैली। कहाँ से कहाँ तक जाने वाले? रैली यही हमारे बाजार में और गांव में, बदौलिया गांव में रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद अली। शाहिद अली, क्रिकेट टीम का भी टी शर्ट ऐसे पहन के पूरा टीम बन जाता है, वैसे आज मुखिया जी के लिए पूरा टीम बने हुए आप लोग। क्या नाम अभी आपका? मोहम्मद साहिबुद्दीन। अरे अभी रैली कहाँ से कहाँ तक जाना है? सवाल भैया, आप भी काफी देर से यहाँ आए हैं, आपसे बात करने में लगे, क्या कहना मुखिया जी के बारे में? इतने नेक हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गाँव में विकास करते हैं, सभी लोग अच्छी उंगली क्यों उठाते हैं? एक ही मुद्दा है आने वाले 12 तारीख को नारा लगा आप देख रहे हैं लोगों में कैसा उत्साह है, कैसा प्यार है और एक ऐसे मुखिया कैंडिडेट के लिए कि जो गांव में हमेशा उमड़ा रहता, हमेशा जमा रहता, कोई भी काम हो रात को 12 बजे भी कॉल करे तो एक कॉल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अभी गांव के सदस्य पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता है सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र मिश्रा जी आए हुए हैं, सपोर्ट में आए हुए हैं, अभी देखते हैं क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या कहना सर आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस पंचायत में आए और आकर के अच्छा संदेश आप लोग दे रहे हैं। यह अच्छी बात है, अच्छी बात है समाज के लिए, देश के लिए और आप लोगों के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी पंचायत में मेरा और यह जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे बड़े भाई, तो सबसे पहले जब जिस मैं घर में हूँ उस घर को मैं जो ठीक करना है, मैं देश दुनिया की भी राजनीति में सक्रिय रहता हूँ, पटना में भी जाकर के सक्रिय रहते हैं और सक्रिय रहना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी पटकरिया देना है, उन लोगों को भी हराना है। और यहाँ जो ये हमारा घर है, तो घर के हमारे सदस्य और हमारे बड़े भाई रशीद भाई के पुत्र वधु यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दुखद घटना हम लोगों के तो बीच में हो गया कि हम लोगों की माननीय जो मुखिया महोदया थी वो हम लोगों के बीच से होकर के आए हुए हैं। जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और जो हम लोगों के विपक्षी है वो इसी में लगा हुआ है, लेकिन 14 तारीख के दिन ऐसा हम लोग पटकनिया पटकेंगे कि फिर वह जो है चुनाव लड़ने के लिए नाम तक नहीं लगा, ठीक है ना? तो इसलिए यह पूरा पंचायत जो है, पूरा पंचायत जो है चंदौली गंगोली पंचायत का अपार समर्थन, जन समर्थन, लोगों का अपार प्रेम, भाईचारा, प्यार, ये सब हमारे बड़े भाई रशीद जी के साथ है और रहेगा।
और 14 तारीख के दिन हम लोग रिकॉर्ड मत से चुनाव। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी कहे जाते हैं ये मिश्रा जी थे जो कि इनके सपोर्ट में आए हुए हैं और बात किए काफी लोग। एक मिनट रुकिएगा, मुखिया जी के बारे में कई सारी बातें हुई, सभी लोग से बात किया, युवक वर्ग के थे, वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, काफी लोग थे, आप क्या कहते हैं मुखिया जी के बारे में, सपोर्ट कैसा है, अभी जा रहे हैं रैली लेके, कैसा लग रहा है? सामने है आप देखेगा जी जी, कैसा रैली है? नहीं जी, यहाँ पे वरिष्ठ नेता आए हुए हैं आज, क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छे नेते हैं, साथी हैं, साथ में रहते हैं, यहाँ में हम कुछ करते हैं, साथ में रहते हैं, जहाँ जहाँ काम करते हैं बुलाते हैं। कहने का मतलब ये विरोधियों का आज ही पसीना छूट जाएगा रैली देख के, तो आप खुद बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे आप खुद देखे कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद अजमत खान। अजमत भैया थे जो जिनसे बात किया हमने, एक मिनट एक और आदमी सर को भी कवर करना है। आ जी भैया, लोगों से बात किया हमने, आप ये भैया जानते हैं इनसे क्या कहना है सईदा खातून के लिए जो वोट मांग रहे हैं, और गांव के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव के लोगों के लिए संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है जो कि उज्जैन क्रमांक 6 पे है और सबसे लास्ट में है, हमें वोट दें और फिर 5 साल सेवा लें, जम के सेवा लें, क्योंकि ये दूसरा टर्म है हमारा और तीसरे टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, हम पूरे पंचायत वासियों से ये अपील करते हैं कि अगर इस बार हमें आप सत्ता में बैठाते हैं वापस, तो हम पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए काम करेंगे। एक अपने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र लाएंगे जिसका आप समझ ही सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र अगर आपके पंचायत में हो तो इलाज में कितनी आसानी होती है। ठीक है, जो लोग बच गए हैं और विकास कार्यों से जैसे रोड वगैरह हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। कई लोगों से बात हुआ, सईदा खातून के जो साथ में भीड़ उमड़ा हुआ है, थोड़े देर में रैली निकलेगी, वो भी नज़ारा दिखाएंगे आपको। आप देख रहे थे चंदौली गंगोली पंचायत से N20 लाइव की।